हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूड विद श्वेता में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। फ्रेंड्स, आज जो सूजी का हलवा बनाएंगे वो बनाएंगे हमारे मम्मी जी। तो इसके लिए हमने चूल्हे में आग को जला लिया है और चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मम्मी जी जो हलवा बनाती हैं सूजी का, वो सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए आज मैं मम्मी जी की रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाल दिया है एक कटोरी देसी घी, जो कि हमने गाय का देसी घी लिया है। आप और कोई देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, भैंस का भी कर सकते हैं। घी को अच्छे से एक बार हम पिघला देंगे, ज़्यादा घी को गर्म नहीं करेंगे फ्रेंड्स। और अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हमने घी मेज़र किया था उसी से हम सूजी मेज़र करेंगे फ्रेंड्स। जब इस मेज़रमेंट के साथ हलवा बनाया जाता है तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सूजी को हम धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे, तेज आंच नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर हम तेज आंच करेंगे तो सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने सूजी को भूनते रहना है। सूजी को भूनते भूनते जब घी अलग होने लगे उस टाइम हमें सूजी में से खुशबू आएगी, तो तब ये समझना कि आपकी जो सूजी है वो अच्छे से भुन गई है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से सूजी ने घी छोड़ दिया है और सूजी में भी बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी सूजी है अच्छे से भुन गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूजी से घी अलग होने लगा है। भूनते भूनते सूजी का कलर भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सूजी को धीमी आंच पे ही भूना है। जब इस तरीके से सूजी को भूना जाता है तो जो हमारा हलवा बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हमारी सूजी के अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हमने, अगर आप ज़्यादा गाढ़ा हलवा पसंद करते हैं तो आप कम डालें, और अगर आप मीडियम खाते हैं तो आप इसमें 2 से 2.5 कटोरी पानी डालें। तो सूजी को हमने अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी मिला दिया है, और इसी कंडीशन में हमने इसमें 1 कटोरी चीनी डालनी है। जिस कटोरी से हमने सूजी मेजर की थी उसी से हमने घी किया है और उसी से हमने चीनी डाली है। तो फ्रेंड्स, लगातार हम सूजी को चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी को हमने तब तक चलाना है जब तक जो हमारी सूजी है घी ना छोड़ दे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये जो हलवा बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। तो हलवा हमारा गाढ़ा होने लगा है फ्रेंड्स, लेकिन अभी हलवे ने घी नहीं छोड़ा है। तो अभी इसमें कसर बाकी है, ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। जब हमारा हलवा घी छोड़ देगा तब हमारा हलवा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा हलवा है उसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। लगातार हम हमारे हलवे को चला रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हलवे ने बिल्कुल अच्छे से घी छोड़ दिया है और हमारा जो हलवा है लगभग तैयार हो चुका है। 2 मिनट तक हम इसको और चलाएंगे और उसके बाद हम हमारे हलवे को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, चूल्हे से हमने हलवे को नीचे उतार लिया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे हलवे का कलर बहुत ही बढ़िया आया है और दिखने में ये जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस हलवे को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ये हलवा कैसा तैयार हुआ। अब हलवे को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी हलवे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।